शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अभय आपको हो क्या गया है? माना कि कीर्ति जिद्दी है, ना समझ है उसमें बचपना है, लेकिन वरुण जी तो समझ सकते हैं ना। कब तक सिर्फ भाई ही झेलेगा तुम्हारी बहन की ना समझी? कब तक सिर्फ भाई ही समझेगा हर चीज को? अरे क्या नहीं किया उसने कीर्ति के लिए, दुनिया की हर खुशी दी है। अरे अपना घर, मेरे घर वालों तक को छोड़ दिया, हम सबसे झूठ तक बोला उसने। भाई अगर कीर्ति की हालत ठीक होती तो मैं खुद ही उसे समझा रही होती। श्रद्धा हालत बदलती रहती है, लेकिन इंसान का सब्र एक हद तक ही रहता है बस। कब तक भाई अपने सब्र, अपने प्यार का इम्तिहान देता रहेगा? क्योंकि कीर्ति कभी नहीं बदलने वाली है श्रद्धा। तो क्या वरुण जी के सब्र का इम्तिहान वो बच्चा देगा जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है? सोचा है आपने अभय? तुम्हारी बहन के ड्रामे हम भूल जाएं, क्योंकि वो कभी नहीं सुधरने वाली है श्रद्धा। अभय आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस वक्त कीर्ति सही है और वरुण जी गलत है। मैं बस आपसे ये कह रही हूँ कि आपका गुस्सा करना उस आने वाले बच्चे की जिंदगी खराब कर सकता है जो कि वरुण जी और कीर्ति के रिश्ते पर टिका है। ठीक है, मुझे तो तुम समझा दोगी श्रद्धा, पर वरुण को यकीन दिला सकती हो तुम कि आगे चल के वो दोनों खुश रहेंगे? अभय, शादी जैसा रिश्ता आसान नहीं होता है, और हर रिश्ते में किसी को समझ ज्यादा होती है तो किसी को समझ कम, लेकिन रिश्ता फिर भी निभाना पड़ता है। अभय शादी में परिवार का साथ सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसी साथ की ताकत से हम रिश्ता निभाना सीखते हैं, जो आगे चल के उस बच्चे को अगर नहीं मिला ना तो उसके साथ बहुत गलत होगा। ठीक है, कीर्ति और उसके बच्चे के साथ तो सब खड़े हैं, अवनी का क्या? कीर्ति के बारे में तो सब सोच रहे हैं, अवनी सब कुछ अकेले झेल रही है। आज पूरा ऑफिस उसके बारे में ऐसी वैसी बातें करे, कल दुनिया वाले करेंगे। उस बेचारी की क्या गलती थी? अवनी, देखो श्रद्धा, मुझे माफ कर दो, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकूंगी। अवनी, माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए। हमारे घर के झगड़े में तुम्हें अकेले इतना सब कुछ सहना पड़ा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपनी श्रद्धा, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, ये वही काफी है। लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं कीर्ति और वरुण की शादी नहीं तोड़ना चाहती हूँ। वरुण और मैं बचपन के दोस्त हैं, और हमेशा से हमने एक दूसरे की खुशी चाहिए। अपनी, हम सब आपके और वरुण जी की दोस्ती की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन कीर्ति वरुण जी से बहुत प्यार करती है, उसके लिए आपके और वरुण जी की दोस्ती को समझना बहुत मुश्किल हो गया है। और जब से ये अविनाश वाला झूठ कीर्ति को पता चला है, तब से उसके मन में इस बात का डर बैठ गया है कि कहीं कहीं वरुण जी उससे दूर ना हो जाए, इसीलिए वो ऐसा बर्ताव। अपनी, हो सके तो उसे माफ कर देना। अवनी, क्या हुआ? आज एक बहुत कड़वा सच बताना है आपको। कुछ घरों में एक पढ़ी लिखी आजाद ख्याल की बहू को सपने पूरे करने के लिए नहीं, बस बच्चा पैदा करने के लिए रखा जाता है। और जब वो माँ बनने वाली होती है तो उसे घर के किसी कोने में रोता हुआ छोड़ दिया जाता है, ताकि उसका पति बाहर जाके किसी के साथ भी अय्याशी कर सके। क्या ये सही है? कब तक ये भेदभाव हम झेलते रहे? कब तक ये धोखा हम सहते रहे? आ,
आप ही बताइए, अब ये औरत क्या करे? कर दिया तमाशा पूरी दुनिया के सामने, मिल गई तसल्ली। धोखा हुआ है ना तुम्हारे साथ, एक काम करो, तो मत सो धोखा, अपना सामान बांधो और अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से, मेरी जिंदगी से। और अगर खुद नहीं जा सकती ना, तो मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा, लेकिन अभी जाओ। पहले भीख मांगकर हमें वापस लेकर आए और अब जाने की बात कर रहे हैं? समझ क्या रखा है हमें? हम कोई खरीदी हुई चीज है, जब मर्जी किया ले आए, जब मर्जी किया फेंक दिए। गलती हो गई मुझसे, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं तुम्हें वापस लेकर आया। गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और आज के बाद मैं अपना चेहरा तुम्हें फिर कभी नहीं दिखाऊंगा। चलो। नहीं जाएंगे हम, नहीं जाएंगे। आपको हमारी शक्ल नहीं देखनी ना, तो आप जाइए। ये हमारा कमरा है, ये हमारा घर है, इसमें हमारा हक है। तुम इस घर में इसलिए हो क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। ये मर्दों वाला गुरूर ना कहीं और दिखाइएगा, हमें नहीं। गलती आपकी है, धोखा आपने दिया वरुण जी, तो आप जाएंगे यहाँ से। एक काम करती हूँ, आप ना ये क्या कर रही हो तुम? जाइए क्या बदतमीजी है? ऑफिस जाइए, ऑफिस में काम करने जाते हैं ना, काम करिए, जाइए। थोड़ी वरुण, मारा दिमाग खराब हो गया क्या? वरुण जी छोड़िए। ठीक है, काम की कोई अहमियत है या नहीं? ये मेरी ऑफिस की फाइल है, छोड़ो प्लीज। घटिया चिचोरी हरकत आप अपने ऑफिस में करते हैं ना, सब देखा है हमने। ये मेरा लैपटॉप है, ये क्या? सॉरी, क्या कर रही हो तुम? छोड़िए, छोड़ो। तुमने मेरा लैपटॉप फेंका, गुस्सा करना मुझे भी आता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा सामान फेंकोगी और मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा? अभी बताता हूं तुम्हें। वरुण जी, वरुण जी, वरुण जी, बस करिए वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, निकल जाइए कमरे से। ठीक है, वैसे भी तुम्हारा चेहरा देख के दिमाग फट रहा है मेरा, तुम्हारे साथ इस कमरे में रहने में घुटन हो रही है मुझे। तो जाइए ना, जाइए उस अम्मी के पास, खुली हवा में सांस लीजिए उसके साथ, निकल जाइए मेरे कमरे से। हाँ तो जा रहा हूँ, तुम जैसी औरत के साथ रहना भी नहीं चाहता मैं अब। कैसे बोला आपने ये? क्या किया तुमने कीर्ति? इतना खून बह रहा है। श्रद्धा इधर आओ, आराम से, आराम से। क्या हुआ? श्रद्धा, श्रद्धा, इसे क्या हुआ? क्या हुआ दिखा, कितनी चोट लग गई, इतना खून बह रहा है। तुम ठीक हो ना? एक ही तो है जो सबको चोट पहुंचाती है। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।